नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पे। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी उसमें अणु संख्य गुणधर्म में पहला हम लोग पढ़ रहे थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और इसके प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। वो व्यंजक क्या होता है बच्चों? वो व्यंजक जो है वो इस तरह से आपने प्राप्त किया था, पी वन नॉट माइनस पी वन बाई पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, है ना। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का आपका क्या था? फार्मूला था, है ना। यानी इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी, क्योंकि ये जो अवनमन है वाष्प दाब में, इसको हम डेल्टा पी कह सकते हैं, कि वो डेल्टा पी बराबर क्या होगा, पी वन नॉट माइनस पी वन हो जाएगा बाई पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स हल करने में ना बहुत ज्यादा सहायता करता है, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है बच्चों, ये क्या कह रहा है आपसे, देखिए, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बच्चों विलेय के मूल अंश के बराबर है, है ना। विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब यही है बच्चों कि यहां पर हम P1 नॉट जो है वो शुद्ध द्रव यानी शुद्ध विलायक का था वाष्प दाब, और P1 क्या था, जब आपने उसमें कोई क्या किया था, आपने ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया था, तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी हुई थी जो P1 से निरूपित कर रहे थे, ठीक है। और X2 क्या है, X2 जो है वो ठोस अवाष्पशील पदार्थ है जिसमें आपने नमक माना था NaCl, जिसके मिलाने से वाष्प दाब में अवनमन हो रहा था यानी कमी हो रहा था, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि विलेय के मूल अंश को, विलेय की मात्रा आप यदि बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाने का मतलब ये हुआ बच्चों कि उसके मूल अंश की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, यानी उसके मूलों की संख्या को बढ़ा रहे हैं आप। तो जैसे जैसे आप विलेय के मूलों की संख्या को बढ़ाएंगे, उसके वाष्प दाब में क्या होगी, अवनमन होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ा था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला यानी RLVP का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम इसी RLVP और मोलर मास, जो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है ना, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, जो कि न्यूमेरिकल आता है उस पे, आपके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तो उसी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, मोल अंश है, और मोल अंश क्या होता है, यदि मान लेते हैं यहाँ पे हम चूंकि एक्स टू है, तो एक्स टू का मोल अंश निकालते हैं, तो एक्स टू यानी विलेय का मोल अंश है, विलेय के मोलों की संख्या होता है ना, फार्मूला पहले भी जान चुके हैं हम लोग, पढ़ भी चुके हैं इसको, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या यानी N1 प्लस N2 होता है। N2 क्या है उसका, ये X जो है मोल अंश को निरूपित करता है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, X जो है मोल अंश को प्रदर्शित करता है, जबकि N क्या है, मोलों की संख्या को निरूपित करता है बच्चों, ठीक है। अब चूंकि यहां पर विलेय की X2 जो है वो विलेय है, तो विलेय का मोल अंश बराबर हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या यानी कुल विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहां पे, चूंकि N2 क्या है, N2 जो है
वो आपका विलेय है, यानी N2 जो है, चूंकि यहां पे मैं लिख रहा हूं, चूंकि N2 जो है विलेय है, और विलेय किसको लिया था आपने, NaCl को लिया था, है ना, यानी NaCl की मात्रा बहुत कम लिया था आपने, है ना, NaCl की मात्रा बहुत कम लिया था N1 की तुलना में। N1 क्या है, उस H2O के मोलों की संख्या, यानी यदि कंपेरिजन हम करते हैं यहाँ पे N1 और N2 की, तो N2 के जो मोलों की संख्या है बच्चों, N1 के मोलों की संख्या से काफी कम है, बहुत कम है, निग्लेजिबल हो कर सकते हैं हम, यानी इसको इग्नोर कर सकते हैं और हर में से N2 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से समझ में आया क्या बोला मैंने, N2 जो है, यानी N2 क्या है, विलेय, यानी नमक। अब सब्जी बनाते समय आपने देखा होगा, आपके मॉम या सिस्टर बनाती होंगी, तो उतने सब्जी में थोड़ा सा नमक डाला जाता है, देखते हैं, यानी सब्जी की मात्रा की तुलना में क्या होता है, नमक की मात्रा बहुत कम होती है, यानी मोर लेस देन हम मान ले रहे हैं N1 से, तो इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर, निग्लेजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि N2 इज मोर लेस देन N1 कर सकते हैं, इसलिए अतः यहां पे हम एक लाइन और कर सकते हैं, X2 बराबर N2 बाई N1 कर सकते हैं ना बच्चों, N2 बाई N1 कर सकते हैं, यानी यहां से हमने क्या किया, चूंकि हर में से N2 को छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ सकते हैं बच्चों, ये हम जान चुके, क्योंकि ये क्या है, N2 इज मोर लेस देन N1 है बच्चों, इसलिए इसकी मात्रा बहुत कम होगी, और बहुत कम होने की वजह से हम इसको निग्लिजेबल कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, इसलिए हमने हर में से N2 को छोड़ दिया हमने, है ना, N2 को छोड़ दिया, तो क्या मिला हमने, X2 बराबर N2 बाई N1 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जैसे ही N2 N1 हो गया, तो यहां पे हम कह सकते हैं, चूंकि एक और फार्मूला हम जानते हैं क्या, कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, N बराबर W बाई M, यानी मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, उस पदार्थ का विलेय का भार बटे विलेय का मोलर मास होता है, होता है N बराबर W बाई M, ये हम लोग जानते भी हैं। अब यहां से चूंकि बच्चों यहां पे N1 यदि है, तो N1 बराबर हम लिख सकते हैं W1 बाई M1, या N2 बराबर भी लिख सकते हैं W2 बाई M2, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, W1 क्या है, W1 जो है आपका विलायक की मात्रा है, और M1 क्या है, विलायक का मोलर मास है जो आपने H2O लिया था, ठीक है, लिख लीजिएगा नोट डाउन में। और N2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, W2 क्या है, विलेय का भार है, ठीक है, यानी विलेय की मात्रा हो गई, और उसके बाद M2 क्या है, विलेय का मोलर मास हो गया। जब आप सवाल हल करेंगे ना बच्चों, अभी हम लोग करने वाले भी हैं, थोड़ा व्यंजक डेराइव कर ले उसके बाद करने वाले हैं, तो W2 जो है वो आपका विलेय की मात्रा होगी बच्चों, और M2 जो है वो क्या होगा, विलेय का मोलर मास होगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं, जोड़ करके निकालते हैं उनके एटॉमिक वेट को, ठीक है, तो अभी आगे सीखेंगे। तो ये फार्मूला हम यहां पे रख रहे हैं, ठीक है, यानी X2 बराबर, यहां पे हम फार्मूला रख दे रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, X2 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, W2 बाई M2, और बटे N1 का मान क्या है, W1 बाई M1, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि आप सीख पाए, रट्टू मत बनिए, तोते की तरह रट्टू नहीं बनना है, और ना ही ज्यादा विद्वान भी बनना है, परीक्षा में नंबर लाने से मत रखना है, ठीक है। तो चलिए, X2 बराबर हमने मान रख दिया, अब यहां से X2 का मान हम आगे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर हमने X2 बराबर निकल जाएगा आपका क्या, देखिए ये आपका W2 बाई M2 गुणे, ये पलट जाएगा ना बच्चों, यानी M1 बाई
W1, ठीक है। अब ये जो मान है ना X2 का बच्चों, ये मान हम इस समीकरण में रख दे रहे, इसको एक मान ले रहे हैं, इसको दो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप X2 का मान इसमें रखेंगे तो एक नया फार्मूला आपके सामने आ जाएगा, और फार्मूला सामने क्या आएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा बाई इक्वेशन वन, है ना। अब रखेंगे तो यहां पर पी वन नॉट माइनस पी वन बाई पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू की जगह मैं ये पूरा टोटल रख रहा हूं, ठीक है, यानी एक्स टू की जगह डब्लू टू बाई एम टू गुणे एम वन बाई डब्लू वन, ठीक है। ये फार्मूला मिला हमें किस चीज का, रिलेशन बिटवीन आर एल बी टी एंड मोलर मास, ठीक है, ये रिलेशन मिला बच्चों यहां पर, ठीक है। अब इस रिलेशन में कौन क्या है इसको देख लेते हैं, और इसको कैसे देखेंगे आप, देखिए इसमें कौन क्या है ये आप जानते हैं, यहां तक क्लियर हुआ कि फिर से समझाना पड़ेगा, कमेंट्स में बताइएगा जल्दी, ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। अब यहां पे देखिए पी वन नॉट क्या है, पी वन नॉट जो है आपका विलायक, यानी पी वन नॉट बराबर क्या होगा, यानी विलायक का, है ना, विलायक का वाष्प दाब जिसमें आपने पानी लिया था H2O का, ठीक है, शुद्ध द्रव का, है ना, यहां पे लिख लीजिए शुद्ध द्रव का। P1 क्या है बच्चों, P1 जो है विलयन का दाब है, वाष्प दाब है, ये समझिएगा, विलयन का, यानी विलयन में विलय और विलायक दोनों उपस्थित है, ठीक है। तो P1 जो है विलयन, यानी विलयन किससे बना था, H2O प्लस NaCl से, NaCl का वाष्प दाब है बच्चों, ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये आप जान ही गए। W2 क्या है, देखिए अब यहां पे आपने X2 क्या है, ध्यान दीजिए विलेय के मोलों की मोल अंश है, तो W2 क्या है विलेय, यानी NaCl की मात्रा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। M2 क्या है बच्चों, M2 जो है विलेय का मोलर मास है, विलेय का मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान जिसको कहते हैं, ठीक है। और W1 क्या है बच्चों, W1 जो है शुद्ध विलायक का आपका मात्रा है, यानी शुद्ध विलायक की मात्रा, ठीक है, जो आपने H2O लिया था, ठीक है। M1 क्या होगा, M1 भी यही होगा शुद्ध विलायक का मोलर मास, क्या है बच्चों, मोलर मास यानी H2O, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये फार्मूला आपका बनकर तैयार हुआ, यानी रिलेशन बिटवीन RLBP एंड मोलर मास में ये व्यंजक प्राप्त होता है, और ये आपके NCERT बुक में है भी, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, चलिए हल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसको न्यूमेरिकल हल करेंगे, ओके, नमस्कार।